प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने विधानसभा में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है। मंत्री सारंग ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कभी भी अपना स्टैंड बदल सकती है। कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ और है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो कभी भी अपना स्टैंड बदल सकते हैं। राम सेतु का जब निर्माण हो रहा था तो राम के अस्तित्व पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया था। और मध्य प्रदेश में जब हिंदू वोटों को अपनी तरफ करने का नाटक करना था तो राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के निकल पड़े थे। हमारा मानना है कि ये जिस प्रकार की हरकत की गई है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के दोहरे चरित्र को स्थापित करती है। हम पर अभी तक इल्ज़ाम लगाने वाले और गांधी टोपी पहनकर गांधी जी के नाम को उपयोग करते हुए अपनी राजनीतिक उल्लू को सीधा करने वाले कांग्रेसियों को अब क्या हो गया? गांधी जी को भूल गए? गांधी जी के नाम तक अभी तक के नाम पर अभी तक राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेताओं को इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि अब क्या गांधीवाद उनका ख़त्म हो गया? गांधी के विचार के खिलाफ जाकर क्या वो राजनीति करने लगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।